अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर तैयबा, वेलकम इन योर चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा इंस्टेंट पेन रिलीफ स्प्रे लेके आई हूँ जो आपने पहले कभी उसके बारे में सुना नहीं होगा, उसको देखा नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी जो वीडियो है वो इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ ये स्प्रे क्या करता है। ये है पैडफॉर, इसका नाम है पैडफॉर इंस्टेंट पेन रिलीफ स्प्रे है ये। ठीक है, ये आप कहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं या जिमर हैं, या अगर आपको चोट आ जाती है, आपको इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए ये है कि आप इसको करेंगे विद इन अ 5 मिनट्स आपको पेन में रिलीफ हो जाएगा और जो स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन ये 6 आवर तक आपको रिलीफ रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको बैकबोन एक है अगर, और इसके अलावा आपको मसल स्ट्रेचिंग है, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, बोन्स में इन्फ्लेमेशन है, अर्थराइटिस है, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं एमरजेंसी में। ठीक, एमरजेंसी में आप करेंगे, आपकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो पेन है उसमें रिलीफ हो जाएगा और आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले यही है, अगर आपको, आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आपको इंजरी होती है, तो तब तो सडनली आपको पेन है, आप इसको कर सकते हैं। आपको अर्थराइटिस का मसला है, तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो ही आपकी पेन में कमी आए, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, उसको जाके अपनी सिम्टम्स बताएं, और इसका अगर आपके कोई टेस्ट वगैरह हुए जिसमें MRI हुई, एक्सरे हुए, तब आपको वो मुकम्मल तौर पे बताएंगे। लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। हाँ, समटाइम ऐसा होता है, ट्रॉमा हो जाता है, जब आपको इंजरी होती है उसके बाद आपको ट्रॉमा होता है, अगर आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं डॉक्टर से, तो सम केसेस में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, या ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, या किडनी के पेशेंट होते हैं, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, उनको अल्सर होता है, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसमें वो पेन किलर का यूज़ नहीं कर सकते। जो पेशेंट्स पेन किलर का यूज़ नहीं कर सकते और उनको कोई प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर उनको पेन किलर नहीं दे सकते, उनके लिए पैडफॉर इट्स अ मैजिक स्प्रे। अगर आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं, अगर आपको कोई इंजरी आई है या आपको ट्रॉमा हुआ है, आप डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं, तो फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये है, आपने इसके 3 पफ लेने हैं। इसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये देखें, इस किस्म की इसकी पैकिंग है। इसको हम खोलेंगे, अंदर से ये इस टाइप का निकलेगा, पैडफॉर इस टाइप का निकलेगा। और इसको यूज़ करने से पहले आपने इसको शेक करना है, फिर आपने इसको ऊपर से खोलना है, और इसका ये एटमाइज़र है जहाँ पे आपने ये स्प्रे को करना है। 5 सेंटीमीटर आपने दूर रख के करना है। अगर आपने मसल्स के करना है, यानी कि आपको मसल स्ट्रेचिंग है, या आपको बैकबोन में पेन है, या आपको यहाँ पे जिसको कहते हैं चुक पड़ गई आर्म टर्म में, वहाँ करना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे करना है नेक के पास करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो आंखों में ना पड़े, आपकी जो साइड है वो दूसरे साइड पे हो। सबसे बड़ी बात, नॉन ग्रीजी है और इसकी काफ़ी प्लेजेंट किस्म की इसकी फ्रेग्रेंस है, नॉन ग्रीजी है, और ना ही इसमें कुछ ऐसी है कि आपकी जो स्मेल जो है इसकी पंजरन टाइप की नहीं है, और ना ही यह कोई एडिटेट करता है। लेकिन जब आप समटाइम्स आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है और आपकी जो स्किन है उसमें कोई खरोंच आती है, यानी कि वहाँ पे ओपन वोंड, खुला ज़ख्म है, तो तब आपने इसको वहाँ पे नहीं करना। जहाँ भी आपका खुला ज़ख्म है, आपको चोट लगी है, वहाँ पे आपने नहीं करना। अगर आपको कोई स्ट्रेन आता है, मोच आती है, बल पड़ता है, ट्विस्ट आ जाता है, कोई भी इंजरी होती है, तब आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसको घर में रखें, आपका वहाँ पे सीरियस कंडीशन नहीं होगी, आपको जो पेन में रिलीफ मिलेगा सडन जो है, और आपकी स्वेलिंग नहीं होगी, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये आपके लिए मैजिक है पैडफॉर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे पेशेंट थे मेरे पास ट्रॉमा के आए, 2-3 पेशेंट, कुछ ऐसी पेशेंट थी फीमेल जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, जो किचन में ज़्यादा खड़े होकर काम करती थी, और उसके साथ ये है कि उनको हमने दूसरी जो मेडिकेशन थी वो तो उनकी जारी थी, लेकिन ये है कि वो कहती थी कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मुझे पेन किलर देते हैं, मुझे पेन किलर सूट नहीं करती, तो उनको दिया, तो तकरीबन इसका 98% ये सेफ़ है, इसका कोई ऐसा किस्म का रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये बैक एक, बॉडी एक, मसल्स पेन, स्प्रेन और जॉइंट पेन के लिए है, और इसके अलावा ये है नॉन ग्रीजी है, नॉन मैसी है, नॉन स्मेली है। इसमें प्लेजेंट किस्म की स्मेल है, ये ग्रीजी नहीं है, यानी कि इसमें जब आप लगाएंगे तो चिपचिप नहीं है, और ये मुकम्मल तौर पर जहाँ पर आप लगाएंगे और ये वहाँ पर थोड़ा सा वेटी होगा, जब ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब आप उस हिस्से को कवर कर सकती हैं। लेकिन फिर मैं आपको लास्ट में बोलूँगी
कि आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और हो सकता है कि आपको सडन तो आपको पेन रिलीफ हो जाएगा, आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक के पास आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन साथ आप घर में आप रखें, एमरजेंसी में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जिनको कोई अर्थराइटिस का दूसरा प्रॉब्लम है वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।